आज हम बात करने वाले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने मार्केट क्लोज होने के बाद अपना रिजल्ट पेश किया है और आज हम देखेंगे कि कंपनी ने क्या कैसा रिजल्ट पेश किया है और उससे आने वाले समय में क्या इस शेयर पर इफेक्ट पड़ने वाले हैं। मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगा इस रिजल्ट पर मार्केट, वो सारी चीज़ें हम अभी बात करेंगे और आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी बात करेंगे। तो देखते हैं, कंपनी ने बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी ने 1410 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है, जबकि ईयर ऑफ ईयर देखें तो पिछले साल इन्होंने 723 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था। मीन्स कि अगर देखें तो ईयर ऑफ ईयर इनका सेल्स डबल हो चुका है। और अगर बात करें मतलब क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1740 करोड़ पोस्ट की थी, जो कि इस क्वार्टर में 300 करोड़ कम पोस्ट की है कंपनी ने। तो ईयर ऑफ ईयर अगर बात करें तो डबल हो चुका है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस इस बार 1080 करोड़ का पोस्ट किया है। बेसिकली इन्होंने क्वार्टर बाय क्वार्टर जब सेल्स कम होगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भी कम होगा, तो इस बार 1080 करोड़ उन्होंने पोस्ट किया है। ईयर ऑफ ईयर 680 करोड़ का था और क्वार्टर बाय क्वार्टर 1300 करोड़ का था। तो ओवरऑल जो निकल के आता है वो प्रॉफिट निकल के आता है इस बार कंपनी का 245 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का निकल के आता है, जबकि पिछली साल इसका प्रॉफिट 32 करोड़ का था। तो अगर हम देखें तो 32 करोड़ पिछले साल इन्होंने पोस्ट किया था, इस बार 245 करोड़ पोस्ट किए, मीन्स कि लगभग 8 गुना कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑफ ईयर। अगर बोले तो 8 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है कंपनी का ईयर ऑफ ईयर प्रॉफिट, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 331 करोड़ का दिखाई थी कंपनी ने प्रॉफिट, 331 करोड़ का, लेकिन इस बार 245 करोड़ है। तो क्वार्टर की क्वार्टर बात करें तो थोड़ा सा डिप आया है, लेकिन ईयर ऑफ ईयर बात करें तो बहुत ही शानदार तेज़ी, 8 गुना तेज़ी देखने को मिली है। EPS भी इस बार 3.49 का बनाया है, जबकि पिछले साल की बात करें तो 0.45 था, तो वहाँ भी 8 गुना का जंप दिखाया गया है EPS में, लेकिन पिछले क्वार्टर में 4.73 था। तो अगर ओवरऑल अगर आप बात करो रिजल्ट के बारे में तो रिजल्ट ईयर ऑफ ईयर बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है ईयर ऑफ ईयर, कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है। लेकिन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर थोड़ा सा सेल्स में कमी आई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है, उसी वजह से EPS में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि कंपनी रिजल्ट अच्छा है लेकिन थोड़ी से कमज़ोर नतीजे इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखने को मिले। तो इसमें बस मेरी उम्मीद यही है कि कंपनी ने आज फ्राइडे को क्लोजिंग 535 रुपये के आसपास की है और आपको इसके चार्ज देखने से पता चल जाएगा कि कंपनी पहले से ही तैयार थी कि मतलब नतीजे उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं जितने उम्मीद है, और इस वजह से कंपनी के शेयर में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से ये शेयर अभी अगर मंडे को मार्केट ओपनिंग होने के बाद अगर थोड़ा सा करेक्शन दिखाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा गिरा है, लेकिन बेसिकली कहने का ये मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छी है, ये वन ऑफ द बेस्ट गैस प्रोडक्शन कंपनी है, तो मतलब ज़्यादा इसमें कुछ ऊपर नीचे होएगा नहीं। कंपनी एक बहुत ही अच्छे बेस के पास अभी ट्रेड कर रही है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग बेस है 500 रुपये के आसपास, कंपनी अभी ट्रेड करी है 536 के आसपास, तो यहाँ से 5 या 6% का अप एंड डाउन वो आपको देखने को मिल सकता है आने।